और मैं लेके भी इसीलिए आया हूँ कि अगर कोई सामने मेरे गाड़ी भी लगा देना उसको घसीटते हुए ले जाऊं, अगर कोई दुश्मन अगर मेरे सामने आ गया ना ऐसा घसीटते हुए ले जाऊंगा ना इस गाड़ी से 4x4 से, जिंदगी में दोबारा याद नहीं करेगा कि पवन साहू आएगा। हेलो एवरीवन, तो भाई टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और जो लोग भी देख रहे हैं तो भी बहुत मजा आने वाला है। और आज हम करने वाले हैं रिव्यू स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का, क्या क्या इनपे डिफरेंस है और फॉर्च्यूनर के अंदर अपन को क्या एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है और स्कॉर्पियो के अंदर क्या क्या चीजें हमें नहीं मिलती है और क्या क्या है इनमें फर्क, तो वो बताने वाला हूँ। तो और इसको लेने के बाद क्या किस तरह मैं फील कर रहा हूँ इस तरह, वो सब चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के साथ और एंड तक देखें। ओके, देख रहे हो नदी क्रॉस करनी पड़ रही है हमें और हम जा रहे हैं एक लोकेशन के ऊपर। देखो भाई कितना मजा आता जब हम ये व्यू, इस तरह का व्यू हम देखते हैं, पानी ही पानी। ओके, थोड़ी अभी फ्लो कम है तो हम निकल पा रहे हैं। ओके, और शूट करने के लिए हम एक ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ थोड़ा हमें अकेलापन मिले और कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हम आ गए हैं हमारी लोकेशन पे और तो भाई देखो ऑलरेडी यहाँ शूट चल रहा है और ये हमें भी शूट कर रहे हैं। देखो क्या बात है, मनीष शूट कर रहा है, देखो बहुत बढ़िया। रुक, क्या बात है, सारी चिल्लर पार्टी इकट्ठी हो रही दिखती है। बस बढ़िया, आप लोग कैसे हो रहे? बढ़िया, शूट वूट चल रहा है? हाँ भाई, क्या शूट वूट हो गया अब होगा? निकाल ले गाड़ियाँ और निकाल ले थोड़ी और, और ही रिकॉर्ड तेरी भी। नहीं नहीं निकाल, क्या हुआ? अरे जी, तो भाई आ गए हम जगह पे और ये रहा अपना हाथी और ये रहा अपना घोड़ा। ठीक है, फॉर्च्यूनर और वर्सेस स्कॉर्पियो, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बहुत मेरे को जितना पता है, जितना मैं गाड़ी के बारे में जानता हूँ, ज़्यादा तो वैसे मेरे को पता नहीं है, सिर्फ खरीदना जानता हूँ और चलाना जानता हूँ, बाकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ इसको थोड़ा आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ आपको इसके अंदर। ओके, ओ भाई जैसा कि लुक आप देख सकते हैं सबसे पहला, ठीक है, और प्राइसिंग के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते, लुक और प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है, लुक में भी डिफरेंस है तो प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। लुक ये थोड़ा डेंजरस है लेकिन ये भी किसी डेंजरस से कम नहीं है। ओके, और अब बात करते हैं अंदर की, बाहर का लुक आपने देख ही लिया है। ओके ओके, चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले अपन चलेंगे, किसमें चले, चलो सबसे पहले अपन चलते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। ये रही इसकी चाबी और अंदर से दिखाता हूँ कैसी है लुकिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये हटा लेते हैं, थोड़ा आपको भी अच्छा समझ आएगा। ओके, ये रही चाबी और अब अपन इसका लॉक ओपन करते हैं। और लॉक ओपन जब अपन करते हैं तो सबसे पहला देखें, लॉक ओपन हो चुका है। अब जा रहे हैं हम अंदर ताकि हम आपको अंदर से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और अंदर से इंटीरियर इसका आपको अच्छे से दिखा पाएँ। थोड़ी गंदगी हो रही है भाई, देखो मैं आपको इसको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो भाई बहुत ही क्लासिक इसमें जो फिनिशिंग दी गई है, ये कपड़ा यहाँ पे और इसके जो चारों कंट्रोलर हैं सब यही यहाँ आपको मिल जाते हैं। और ये ऑटो, जिसको हम ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक भी है और उसको मैनुअल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, देखो। ओके, और ये वापस खुल गया। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ये मोड है जो कि मुझे बहुत समझने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इनको बहुत कम यूज़ करता हूँ। टॉप स्पीड अगर आप देखेंगे तो 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है इसकी, ठीक है। और भाई आपके भाई ने इसको 365 किलोमीटर चला भी लिया है सिर्फ 3 दिन के अंदर, पता नहीं ऐसा कैसा चल गई, ठीक है। और यहाँ आपको सारा मिल जाता है जहाँ से म्यूज़िक सिस्टम सारा कंट्रोल यहीं से होता है, AC वगैरह। भाई इसका AC बहुत ज़बरदस्त है कंपेरिजन करें स्कॉर्पियो से तो। और सबसे अच्छी इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं जहाँ से इनमें अंदर से भी हवा आती है, बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। और अंदर के इंटीरियर की बात करें तो ये देखिए, ठीक है। और भाई यार इसके अंदर ये भी कोई बहुत खास चीज़ है, ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो
ये देख, ठीक है। तो भाई इसको हम रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं कि हम जब इसको नेक, तो ये बात हो गई हमारे फॉर्च्यूनर के बारे में। अब बात हम करते हैं कुछ अपने बारे में, ठीक है। तो भाई जब हमेशा से ही सपना था मेरा कि इस तरह कुछ ऑटोमेटिक गाड़ी में लाऊं, और ऐसी गाड़ी लाऊं जिसका नाम लोग सुनते ही जो नफरत करते हैं, और जो भी हो एक्स वाई जेड में किसी को सब ज्यादा बुरा नहीं बोलूंगा, हेटर्स भी कुछ ज्यादा बुरे नहीं होते, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हम आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाए जब ये सुने कि यार फॉर्च्यूनर ले ली इस एज में इस बंदे ने, क्या बात है यार, कैसे ले ली, क्या कर ली, दिन रात वो सोचते सोचते उनकी नींद गायब हो जाए। टेंशन कभी लेनी नहीं है, टेंशन देनी है हेटर्स को, ठीक है। टेंशन कभी मत लो भाई, टेंशन दो लोगों को, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो सपने ऐसे देखो भाई, सोते हुए सपने नहीं पूरे होते, हमेशा सपने वो होते हैं ना जो सपने कभी सोने नहीं देते हैं, तभी वो पूरे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप रात को सोते हुए सपने देख रहे हो कल वो पूरे हो जाएंगे, नहीं, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने वो पूरे होते हैं जब आपको सोने नहीं देते और आपको कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं कि नहीं उठ, सोना ये सब कुछ बंद करना पड़ता है, उठना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, अपने आप को जो शरीर का पसीना वो निकालना पड़ता है, इस दिमाग से लड़ना पड़ता है। दिमाग, मन कहता है सो जा, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करके, शरीर को कंट्रोल करके कहना पड़ता है नहीं सोना नहीं है, अपन को मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, पैसा बनाना है, अपने सपने पूरे करने, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। एक ही लाइफ मिली है मेरे भाइयों, एक, ठीक है, सिर्फ एक लाइफ मिली है, इसमें बहुत कुछ करना है, ठीक है। और ये लाइफ कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी लाइफ है। लोगों को लगता है यार कि पूरी जिंदगी बड़ी, अरे भाई जिंदगी बहुत छोटी है, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि जिंदगी आपकी बहुत बड़ी है, तो भाई आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन के अंदर हो, और बहुत बड़े झूठ को आपने अपने सर में डाल रखा है, ठीक है। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलो भाई, जिंदगी बहुत छोटी है, आपको बड़ी इसीलिए लग रही है क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, घर पे पड़े पड़े सिर्फ बिस्तर में पड़े पड़े अपना टाइम पास कर रहे हो, इसीलिए आपको आपकी जिंदगी बहुत बड़ी लग रही है, ठीक है। कुछ करने वाले के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, समझ रहे हो ना भाई। तो बाहर निकलो और मेहनत करो। अब दिखाता हूं मैं स्कॉर्पियो को, ठीक है, कत और घोड़े से कम नहीं है। बाहरी लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही, ये भी बहुत ही जबरदस्त है, दोनों को एक साथ देखो, ठीक है। अब चलते हैं अंदर, ये देखो भाई, डस्ट हो रखी है पूरी गाड़ी में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छा रिव्यू देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो भाई इसकी सबसे पहली बात है कि ये मैनुअल है और वो ऑटोमेटिक है, तो उसमें बहुत ही मजा आता है चलाने के अंदर, और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जब अपन को कवर करना होता था, मैं ऑटोमेटिक में ही मज़ा आएगा। और इसका एक ऐसी सिस्टम है जो वो थोड़ा नॉर्मल है उसके कंपैरिजन में, बिकॉज पैसे का जो भी डिफरेंस है, इसकी कीमत का डिफरेंस भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल, और इसकी टॉप स्पीड देखी जाए तो दिखाऊं आपको, 180 किलोमीटर है पर आर, और उसकी 200 किलोमीटर है। और सेफ्टी फीचर आपको देखा जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर सेफ्टी फीचर इतने एयरबैग्स नहीं है जितने उसमें है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट लगभग ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना उसका है। ये गाड़ी बंदा वही लेके आता है, ठीक है, जो क्या बताऊं आपको, ये गाड़ी उसके लिए, सिर्फ अपने इस मन को शांत करने के लिए, क्योंकि यार ये जब रोड पे निकलती है ना, इससे भी ज़्यादा लोग इसे देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही दमदार गाड़ी है, इसके लुक्स है आपके, इसके इंजन, इसके फीचर्स, और इसके उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो इतनी दमदार नहीं है, लेकिन इसके लुक से ये इससे भी ज़्यादा दमदार है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पिछले दो दिन में देखी है, तो लेकिन फिर भी जब आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल राइड चाहिए, कंफर्टेबल कहीं आपको लंबे टूर पर जाना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और सेफ्टी के मामले में भाई 4x4 है, अगर कोई सामने भी आ जाए ना साला, उसको घसीटते हुए ले जाओ, ठीक है, इतनी पावर है। और मैं लेके भी इसीलिए आया हूँ कि अगर कोई सामने मेरे गाड़ी भी लगा देना, उसको घसीटते हुए ले जाऊँ, अगर कोई दुश्मन अगर मेरे सामने आ गया ना, ऐसा घसीटते हुए ले जाऊंगा ना इस गाड़ी से, 4x4 से, जिंदगी में दोबारा याद नहीं करेगा कि पवन साहू क्या गाड़ी लगाऊं, ठीक है। तो भाई कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कमेंट जरूर करें मुझे, ठीक है। और आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बढ़िया लगी,
कमेंट करें और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। लव यू ऑल।